श्री शिवाय नमस्कार। जिस कामना से पशुपति व्रत करते हैं, आप जिस कामना से पशुपति व्रत का नियम धारण करते हैं, पशुपति व्रत करते हैं, जिस कामना से आप पशुपति व्रत उठाते हैं, शिव की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, तो गणेश की आराधना भी स्वतः साथ में हो जाती है, देवी की आराधना भी साथ में हो जाती है, सूर्य देव की आराधना भी साथ में हो जाती है, सभी देवताओं की आराधना साथ में, और जब आराधना साथ में होती है तो उसका फल भी हमको प्राप्त होता है। उसका फल भी हमको मिलता है।